स्टार्ट करते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कल मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे डिफरेंट ग्राफ्स जो बनते हैं उसमें हमने लास्ट जो चीज छोड़ी थी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में उसको अप्लाई कैसे करना है आपको बताया था अगर आपको ग्राफ में एरिया निकालना हो विद द एक्स एक्सिस तो आप फार्मूला यूज करोगे इंटीग्रेशन y dx क्योंकि हम बात एरिया की कर रहे हैं तो ये हमेशा मॉड में लोगे मतलब अगर बाई चांस आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाओगे क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता अंडर एनी सरकमस्टांसेस इसी तरह अगर एरिया विद द वाई विदेस आपको करना है तो इसका रिश्ता क्या कहलाता है इंटीग्रेशन एक्स डी वाई लिमिट्स किसकी आएंगी वाई की ये जो डी होता है डंगर लिमिट इसकी आएगी मतलब डीएक्स है तो एक्स की लिमिट डीवाई है तो वाई की लिमिट अप्लाई कैसे करना है लेट्स स्टार्ट पहले सामने देखिएगा टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए मैं क्वेश्चन की फॉर्म में कर रहा हूं आपको बोला फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर यूजिंग इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की मदद से आप इस सर्कल का एरिया निकालें जब भी ए का क्वेश्चन आएगा ये तो बड़ा सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने दिया है और इसके मैंने जानबूझ के ये दिया है ताकि आप आंसर वेरीफाई भी कर सको क्योंकि एरिया का तो फॉर्मूला पता है ना आपको सर्कल का पायर स्क्वायर तो मैंने जानबूझ के ये किया। सबसे पहला काम आप ग्राफ बनाओगे प्रॉपरली हो गया एक्स और वाई एक्सिस ग्राफ में आपके पास सर्कल है विथ सेंटर जीरो जीरो एंड रेडियस टू स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू स्क्वायर तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या हुआ जीरो कॉमा जीरो और रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया टू यूनिट्स लिखने का टाइम पूरा दूंगा पहले समझने पे ध्यान दो ठीक गोला बनाइए ये हो गया सर्कल इस सर्कल में जब भी आप ग्राफ प्लॉट करें ग्राफ बनाने के बाद जितने भी पॉइंट्स वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है उन पॉइंट्स को मार्क जरूर कीजिए ये रेडियस सेंटर इसका जीरो जीरो रेडियस टू यूनिट्स तो ये पॉइंट हो गया टू जीरो पॉइंट हो गया जीरो टू ये पॉइंट हो गया माइनस टू जीरो ये पॉइंट हो गया जीरो कॉमा माइनस टू क्या ये बात समझ में आती है इस सर्कल का आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है अब आप क्या कर सकते हैं यहां स्ट्रिप कंसिडर कीजिए छोटी सी एक्स एक्सेस के साथ ऐसी सारी स्ट्रिप्स को जीरो से लेकर टू तक ऐड कर दीजिए इनटू फोर कर दीजिए एरिया आ जाएगा क्योंकि चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू फोर टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टू तक वाई डी एक्स इतनी बात समझ में आती है क्या बताया मैंने एक्स एक्सिस के साथ अगर एरिया निकालना है ऐसे तो क्या यूज होता है वाई एक्सेस अगर ऐसे निकालना होता तो एक्स डी वाई यूज करते अभी उससे भी करूंगा इतनी बात समझ में आई अब वाई किसका यूज करना है आपको इस कर्व का जिस कर्व के नीचे का एरिया निकाल रहे हो आप इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल रहे हो तो इस कर्व का वाई कितना है इस कर्व का वाई है अंडर उट फोर माइनस एक्स स्क्वायर इस कर्व का वाई है अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर सब्सिट्यूट कर दो जीरो से टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स कोई डाउट यहां तक अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेवेंथ एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज आ गए क्या होता है ना वो डिनोमिनेटर में होता है ए स्क्वायर बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्स वाला पूरा बाई चांस भूल गए सपोज याद नहीं आ हो बीच में प्लस था माइनस था क्या करें बहुत आसान तरीका बता रहा हूं याद है ना सम में में को क्या लेते हो थीटा उससे कर लो दो टके आंसर आ जाएगा आसान हो जाएगा अगर आइडेंटिटी याद है तो बहुत अच्छी बात है अप्लाई करो लिमिट लगाओ खत्म कर दो नहीं याद पेपर में भूल गए कंफ्यूज हो गए कंफ्यूजन हो गई दोस्त ने बोला ये दूसरे ने बोल दिया ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं सब्सिट्यूशन कर लो इतना तो आता ही है स्क्वायर तो बोला मेरे को आती है मैंने वही बोला कि आइडेंटिटी भी लग सकती है बेटे और अगर आइडेंटिटी बाई चांस आप भूल जाए तो सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हो चॉइस आपकी अभी आइडेंटिटी से भी कर रहा हूं डोट थीटा लिया अगर x जीरो है तो थीटा जीरो हो गया अगर x की वैल्यू टू है तो थीटा हो गया नाइंटी डिग्री हाँ कि ना x को टू डालूंगा साइन थीटा वन आ गया साइन थीटा वन तो थीटा कितना हुआ नाइनटी डिग्री तो लिमिट क्या बनी ये बना फोर टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू अंडरवुड फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई टू कॉस्टा डी थीटा इंटू टू कॉस थीटा डी थीटा तो फोर टाइम्स फोर बहार टू बार आ गया एक और टू बार आ गया कितना बजा? सिक्सटीन बार हो गया जीरो टू पाई बाई टू कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर के इंटीग्रेशन कैसे करते हो कॉस टू थीटा में चेंज वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू जीरो इंटीग्रेट करें एट बाहर चल रहा है अभी भी वन का इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू पाई बाई टू कॉस का इंटीग्रेशन साइन चेन चेन रूल लगेगा हाफ से डिवाइड टू से डिवाइड लिमिट जीरो बाई टू लिमिट्स पुट कीजिए एट पाई टू माइनस जीरो प्लस हाफ साइन पाए माइनस साइन जीरो साइन वन एट्टी जीरो साइन जीरो जीरो आंसर आ गया फोर पाए स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी है नहीं तो आधा नंबर उड़ जाएगा अब जरा निकाल के देख लो इसका रेडियस टू है एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर सो पाई इंटू टू स्क्वायर आंसर आ गया फोर पाए ठीक है अब बाई चांस आप कह रहे हो नहीं सर मेरे को तो फॉर्मूला लगाना है मेरे में चुले में तो फॉर्मूला लगाऊ लगा लो कोई मना नहीं है अगर आप फॉर्मूला लगाते तब भी यही आता मैं साइड में कर देता हूं अलग पेज पे कितना था टू यूजिंग फॉर्मूला फॉर्मूला निकालो फटाफट क्या बना इंटीग्रल ये एरिया बना फोर टाइम्स जीरो टू टू अंडर उम्मूला क्या होता है एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी प्लस सी की जगह जीरो लिमिट आ जाएगी जीरो टू फाइव बाई टू हा कि ना आपकी चॉइस आप लगा लो कोई मना नहीं है जीरो टू टू सॉरी लिमिट जीरो टू टू लिमिट्स फुट करो फोर बाहर पहले टू डालें दोनों में टू डालूंगा तो टू बाई टू माइ इंटू जीरो जीरो हो गया टू साइन इनवर्स वन फिर जीरो डालें यह जीरो हो गया प्लस टू साइन इनवर्स माइनस टू साइन इनवर्स जीरो विच इज ऑल्सो जीरो तो फोर टाइम्स ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स वन इज पाई बाई टू रिजल्ट आ गया फोर पाए स्क्वायर यूनिट्स चॉइस इज एब्सोल्यूटली योज वेदर यू वॉन्ट टू अप्लाई द आइडेंटिटी और यू वॉन्ट टू डू क्वेश्चन यूजिंग बेसिक फॉर्म चॉइस इज योर्स दोनों से आंसर आएगा समझ में आ गया लॉजिक ऑनलाइन सबको क्लियर सो so, कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई कर्व है उस कर्व के नीचे का एरिया आपको निकालना है तो आप क्या करोगे इंटीग्रेशन वाई डी एक्स वाई किसका यूज करोगे कर्व का इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई यूज करोगे कर्व का इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर सेम क्वेश्चन अगर सेम क्वेश्चन यूजिंग एरिया विद वाई एक्सिस करना होता पेपर में कभी स्पेसिफिकली लिखा नहीं होगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो होंगे ही नहीं उससे वाई से कुछ ऐसे होंगे जो दोनों से हो जाएंगे जैसे ये वाला क्वेश्चन है दोनों से हो रहा है कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ एक्स से होंगे कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ वाई से होंगे आप कहोगे ऐसे कैसे अभी करके दिखाऊंगा इतनी कौन सी जल्दी है ठीक अब देखो विद एक्सिस चलते हैं ग्राफ फिर से बना लेते हैं ग्राफ आपके पास कौन सा था यह गोला था यह पॉइंट था टू जीरो पॉइंट था जीरो टू यह पॉइंट था, था माइनस टू जीरो पॉइंट था जीरो, 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 जीरो कौन माइनस टू अब आपको विद द वाई एक्सिस निकालना है तो पहले मैंने ये एरिया निकाल लिया ऐसे ये एरिया कैसे यूज होगा इंटीग्रेशन एक्स डी वाई लिमिट वाई की आएगी वाई की वैल्यू यहां पे क्या है जीरो यहां पे क्या है टू तो वाई इक्वल टू तो जीरो से टू तक और इन टू फोर चार क्यों क्योंकि एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाला आपको टोटल निकालना है ना आप ऐसे भी कर सकते हो माइनस टू से टू तक इंटीग्रेट कर दो इंटू टू कर दो माइनस टू से लेकर प्लस टू तक एरिया निकाल दो मल्टीप्लाइड बाय टू कर दो लेफ्ट राइट right आ जाएगा जैसे ये पिछला था पिछले में भी आप ये कर सकते थे माइनस टू से टू तक इंटीग्रेट करो फोर की जगह टू से मल्टीप्लाई करो क्योंकि सिमेट्रिक है ना सिमेट्रिक में चल जाएगा ए होगा तो दिक्कत होगी जैसे अब पहले इसको कंप्लीट करते हैं जीरो से टू तक एक्स डी वाई अब एक्स किसका यूज होगा जिस कर्व का एरिया है इस कर्व का एरिया है इस कर्व का एक्स डी वाई इस कर्व का एक्स कितना है इस कर्व का एक्स अंडर रूट ऑफ फोर माइनस वाई स्क्वायर क्योंकि ये ग्राफ क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर तो इस कर्व का एक्स कितना हो गया अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर ये सो नो इंटीग्रेट हो जाएगा एग्जैक्ट सेम मेथड एक और करके दिखाता हूं फिर आपको टाइम दूंगा करने के लिए आपको बोला फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन ये एक प्यारा सा राजदुलारा सा एलिप्स है आपको इसका एरिया निकालना है हाँ जी सर ओके okay, सर ये एक्स और वाई है पहले इसको एलिप्स को बनाते हैं ये हमारे पास हमारा एलिप्स है इसमें ए क्या हो गया मेजर एक्सेस बी क्या हो गया माइनर एक्सेस ये पॉइंट क्या हो गया ए जीरो ये पॉइंट क्या हो गया जीरो बी ये पॉइंट क्या हो गया माइनस ए जीरो पॉइंट क्या हो गया जीरो कॉमा माइनस बी ये चार पॉइंट्स हो गए अब आप क्या करो एरिया निकालो एक क्वाड्रेंट का निकाल के इंटू फोर कर दोगे पहले एक क्वाड्रेंट का निकालते हैं ये एक क्वाड्रेंट में स्ट्रिप कंसीडर कर ली मैंने क्या एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वाई डीएक्स इसमें इंटीग्रेशन वाई डीएक्स तो रिक्वायर्ड पहले इसके इक्वेशन लिखो इक्वेशन थी एक्स स्क्सर बाई, बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन किसके नीचे का एरिया है इसके नीचे का एरिया है तो y इस कर्व का यूज होगा ये आप कहोगे सर ये क्यों बोल रहे हो बार बार इस बात का औचित्य है प्लीज ध्यान दीजिएगा अभी थोड़ी देर में जब मल्टीपल कर्व्स आएंगे ना तो दिक्कत होगी ये सिंगल तो कर्व है तो दिक्कत नहीं आ रही जब एक से ज्यादा कर्व्स होंगे तब मैं बोलूंगा इसका वाई डी तो वो इमेजिन होना चाहिए इसलिए शुरू से वो आदत बनाओ इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है तो वाई किसका यूज होगा जिस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है वाई उसका यूज करोगे इसका वाई यूज होगा तो अब एरिया क्या होगा बताइए एरिया होगा फोर टाइम्स ये एक का एरिया इंटीग्रेशन वाई डी एक्स लिमिट कहां से कहां तक जीरो से लेकर ए तक हाँ कि ना ये एक्स इक्वल टू जीरो है ये इक्वल टू है ऑनलाइन सबको ये बात समझ में आती है yes, sir. Yes, sir. अब इसका वाई लिखो पहले वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई आया बी बाई ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सब्स्टिड्यूट करो b बाई ए बाहर आ गया इंटीग्रेशन जीरो टू ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट हो जाएगा फॉर्मूला लगाते हैं फोर बी बाई ए एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिमिट जीरो टू ए लिमिट पुट करो फोर बी बाई ए ए पुट करूंगा ये पहला टर्म जीरो हो गया, प्लस ए स्क्र बाई टू साइन इनवर्स वन ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन फिर जीरो पुट करूंगा ये जीरो हो गया और ये भी जीरो साइन इनवर्स जीरो जीरो होता है क्या बचेगा एक ए ए कट गया एक टू टू कट गया कितना बचा टू ए बी इन टू पाई बाई टू टू ए बी पाई बाई टू रिजल्ट आ गया पाई ए बी आई बात समझ बाई चांस अब आप इसमें विद द वाई एक्सिस करते आपने अभी किसके साथ किया था विद द एक्स एक्सिस अब सपोज करो मैं इसको विद द वाई एक्सिस करता हूं इसको विद द वाई एक्सिस करते हैं वाई एक्सिस अगर करूंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा दोबारा देखो ग्राफ तो सेम था यही कर्व अब आपको एरिया चाहिए विद द वाई एक्सेस ये वाला तो अब इस कर्व का वाई के साथ एरिया चाहिए कि नहीं चाहिए पॉइंट क्या हो गए जीरो ये पॉइंट क्या हो गया जीरो yeah. बी ये पॉइंट क्या हो गया माइनस ए जीरो पॉइंट क्या हो गया जीरो माइनस बी अब देखो ग्राफ्स लास्ट लास्ट में किए आज उसका हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा तो ग्राफ्स की आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी थी सो so, इसका एरिया निकालो सबसे पहले इसका एरिया क्या होगा फोर टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स डी वाई लिमिट किसकी वाई की वाई की लिमिट क्या है जीरो से बी तक गॉट इट वाई की लिमिट क्या है जीरो से बी तक अब इधर से एक्स निकाल लो इधर इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर तो एक्स कितना आया ए बाई बी रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पुट करो फोर टाइम्स जीरो टू बी ए b बी रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेट करो फोर बी बाई ए इसका फॉर्मूला एक्स वाई बाई टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वाई बाई बी लिमिट जीरो टू बी लिमिट्स पुट करो सेम रिजल्ट आ जाएगा बाई ए बी स्क्वेर यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स मेरा आधा नंबर कट गया है जी कहां पे फोर ए बी फोर ए बाई बी बाहर ना सॉरी ठीक है स्क्वायर यूनिट्स ना लिखने का मेरा आधा नंबर कट गया समझ में आई सो so, जिस कर्व के नीचे का एरिया निकालना होता है उस कर्व का वाई यूज करोगे इसको मैं आइडेंटिफाई कराता हूं एक क्वेश्चन में फिर आपको टाइम दूंगा लिखने का आपको बोला फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू वन एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन इन फर्स्ट क्वार्रंट नहीं बस बहुत फाइंड स्मॉल एरिया अब जरा ध्यान देना प्लीज पे अटेंशन लुक वेरी केयरफुली फर्स्टली लेट्स प्लॉट द ग्राफ्स फर्स्ट ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन वो क्या होगा इट्स अ सर्कल राइट सो फर्स्ट ग्राफ इज अ सर्कल तो ई गोला है कैसा गोला है ऐसा गोला है और इस गोले में इक्वेशन इसकी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन और इसके अगर मैं पॉइंट्स लिखू जो कि जरूरी है लिखना बिना उसके नंबर कटेंगे नंबर भी कटेंगे क्वेश्चन भी सॉल्विंग में कई बार दिक्कत आएगी ये वन जीरो जीरो वन माइनस वन जीरो जीरो कॉमा माइनस वन यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं गोला बन गया अब आ जाते हैं दूसरे पे ये दूसरी जो लाइन आप दूसरी जो इक्वेशन आपको दिख रही है वो किसकी है सीधी लकीर दिख रही है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन कैसे ग्राफ बनता है एक्स जीरो डालो वाई वन वाई जीरो डाला एक्स वन स्ट्रेट लाइन बनेगी इन दो पॉइंट से पास करती हुई हां की ना ये कौन सी ग्राफ है ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन आपको एरिया कौन सा निकालना है आपको एरिया निकालना है स्मॉल एरिया इंक्लोज बिटवीन दिस ये वाला एरिया निकालना है ना इंग्लिश पढ़ के बात समझ में आती है पहले बताओ अब इसका को कोई फॉर्मूला ही नहीं है यार इसको इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा अब आप मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए अगर मैं जीरो से वन तक इस सर्कल के नीचे का एरिया निकाल लू उसमें से जीरो से वन तक लाइन के नीचे का एरिया सब कर दूं तो यह ऊपर का चौचड़े का एरिया आ जाएगा आएगा कि नहीं आएगा अब समझ में आया मैं वाई डी एक्स बोल रहा था तो वाई इसका वाई इसका क्यों क्योंकि जिसका वाई होगा उसके नीचे का एरिया निकलेगा मतलब अगर मैं इसमें रिक्वायर्ड एरिया बोलूं, उत्तरी अगर मैं इसमें रिक्वायर्ड एरिया बोलूं, रिक्वायर्ड एरिया होगा जीरो से लेकर वन तक सर्कल के नीचे का एरिया वाई ऑफ सर्कल डीएक्स इससे मेरे पास कौन सा एरिया आ जाएगा इससे मेरे पास ये एरिया आ जाएगा हां कि ना इससे ये एरिया आ जाएगा इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं जीरो से वन तक लाइन के नीचे का एरिया वाई ऑफ लाइन डीएक्स इससे मेरे पास कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया ये एरिया मेरे पास सब हो गया कौन सा बच गया वो ऊपर का रिक्वायर्ड एरिया बच गया कि नहीं बच गया समझ में आई बात तो जिसका वाई उसके नीचे का एरिया वाई डी एक्स जैसे सपोज करो एक ये कर्व होता एक ये कर्व होता मुझे बीच का एरिया निकालना होता तो मैं क्या करता इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऊपर वाले कर्व का वाई डी एक्स करता ये पूरा एरिया आ जाता उसमें से नीचे वाले कर्व का सब कर देता

पहले वाली लाइन के नीचे का एरिया निकालूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस वाली लाइन के नीचे का एरिया निकालूंगा और पहले से आखिरी तक इस लाइन का क्या कर दूंगा सब बीच का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ऐसे केसेस अभी करेंगे इट्स जस्ट द बिगिनिंग इट्स जस्ट द बिगिनिंग बट द कॉन्सेप्ट इन दिस एंटायर चैप्टर इज एब्सोल्यूटली सेम देयर इज ओनली वन कॉन्सेप्ट एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है वाई डी एक्स y एक्सिस के साथ निकालना है x dy दैट्स इट बट डायग्राम जब तक सही नहीं बनेगा और साफ नहीं बनेगा तब तक जीरो है बिना डायग्राम के आप कुछ नहीं कर पाओगे तो ग्राफ समझ में आ गया क्या एरिया निकालना है ये समझ में आ गया इंटीग्रेशन तो बात की बात है क्या ग्राफ है और क्या एरिया निकालना है सब को ये सबको क्लियर है ऑनलाइन आप सबको ये क्लियर है बेटा yes सर यस yes. अब निकालते हैं इसको इसको भी दो मेथड से करूंगा टेंशन क्यों ले रहे हो 0 टू 1 सर्कल का वाई सर्कल का वाई कितना है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस जीरो टू वन लाइन का वाई लाइन का वाई कितना है वन माइनस एक्स ये तो पॉपट पॉपट इंटीग्रेशन है ये तो पोपर्ट इंटीग्रेशन है दोनों दोनों पहले इसका करो इसका क्या करोगे एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए लिमिट जीरो टू वन माइनस वन का एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू लिमिट जीरो टू वन लिमिट्स पुट करो पहले वन डालो ये जीरो हुआ हाफ साइन इनवर्स वन फिर जीरो और ये भी जीरो माइनस इसमें वन डालो वन माइनस वन बाय टू माइनस लोअर लिमिट जीरो माइनस जीरो बाय टू सॉल्व करो हाफ इंटू पाई बाई टू माइनस हाफ रिजल्ट आया पाई बाई फोर माइनस हाफ स्क्वायर यूनिट्स गॉट इट अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं वाई एक्सिस के साथ निकालूं बिल्कुल हो जाएगा ये वाई एक्सिस के साथ भी हो जाएगा उससे भी करके दिखाता हूं सपोज यही क्वेश्चन है सेम सेम एब्सल्यूटली सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने y एक्सिस के साथ एरिया निकाला अब भी क्या करोगे सर्कल के y एक्सिस के साथ एरिया और लाइन का y एक्सिस के साथ एरिया सब कर दो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा तो इसको आप ऐसे भी कर सकते ना? Integration, हो ना इंटीग्रेशन y एक्सिस की लिमिट क्या होगी जीरो टू वन एक्स ऑफ सर्कल डी वाई माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू वन

सपोज आपको बोला आसान क्वेश्चन एक करते हैं फाइंड द एरिया साथ साथ क्वेश्चन लिख लो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व

ध्यान दो पहले y square equal to x क्या है ये पैराबोला कौन बोला पैराबोला और स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कोई पंगा नहीं कोई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन नहीं कुछ नहीं वाओ सच अ लवली क्यूट क्वेश्चन y square proportional to x is a parabola symmetrical to x axis ये बन गया y square equal to x ग्राफ पे ये पॉइंट जरूर लिखो इक्वेशन जरूर लिखो जो भी ग्राफ बना रहे हो उस पर ये है शून्य कॉमा शून्य दूसरी लाइन लकीरें कौन सी है एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन इज अस्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू वन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस यह है एक्स इक्वल टू वन दूसरी लाइन कौन सी है एक्स इक्वल टू फोर टू थ्री फोर ये हो गई जी एक्स इक्वल टू फोर आपको बोला इस कर्व का इन दो लाइंस का और एक्स एक्सेस के बीच का एरिया निकालना है मतलब आपके पास रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है ये वाला पढ़ के देखो ये समझ में आता है क्वेश्चन पढ़ के देखो ये इंटरप्रिटेशन होती है कि ये एरिया निकालना है ऑनलाइन वालों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के देखो ये इंटरप्रिटेशन सबको समझ में आती है बेटा अच्छा अब मुझे बताओ इसमें y एक्सिस के साथ निकालना आसान है या x के साथ x के साथ क्योंकि y के साथ निकालूंगा ऊ ये तो ये भी हो जाएगा गुदो गुदो हो जाएगा ना तो हो उससे भी जाएगा हो उससे भी जाएगा बहुत लंबा होगा मैं करके दिखाऊंगा अभी आई विल डू इट डजंट मैटर मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा बट आपको एक एक आईडिया तो दूंगा ना चीजें क्लियर होती हैं अब इधर देखो कितना क्यूट बन गया ये क्वेश्चन सच ए लवली क्वेश्चन यू विल फॉल इन लव दिस ये जो कर्व दिख रहा है आपको वाइट वाला इसका वाई डी एक्स करना है वन से लेकर फोर तक तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हुआ रिक्वायर्ड एरिया हुआ इंटीग्रेशन वन से फोर तक वाई ऑफ कर्व डीएक्स वाई ऑफ कर्व कितना है कितना है रूट एक्स रूट एक्स टी एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है X 2, नीचे क्या आया थ्री बाई टू वन से लेकर फोर तक तो टू बाई थ्री बाहर 4 की पावर थ्री बाई टू माइनस वन की पावर थ्री बाई टू टू बाई थ्री फोर की पावर थ्री बाई टू कितना हुआ एट माइनस वन कितना हुआ सात सात दूरी चौदह चौदह बटा तीन ठीक है आधा नंबर मेरा फिर कट गया स्कोर वेरी गुड स्क्वायर यूनिट लिखे बिना नंबर कटेगा में आ जाए तो मॉडल लेने का ठीक मेरे में वाई की चुल आ गई मैं तो वाई के साथ भी करूंगा कोई बात नहीं देखो कितना feel बनेगी. ध्यान देना ये one था ये फोर था मैंने क्या किया ध्यान से देखना कितना डॉगी क्वेश्चन बनेगा ध्यान से देखना पहले आ जाते हमें निकालना है ये वाला एरिया इधर से लेकर इधर तक पूरा एरिया निकाल सकते हो ये है x इक्वल टू फोर ये थी x इक्वल टू वन और ये पॉइंट्स भी मार्क करते हैं ये था फोर जीरो ये था वन जीरो अब ये कर्व का भी पॉइंट चाहिए होगा ये x इक्वल टू फोर वाली लाइन थी और ये कर्व था Uh, y square equal to x. So, x, जब 4 डालूंगा, तो तो कितना आएगा ये ये so, ये हो गया 4, 2. ये हो गया गया इसी तरह ये point भी निकालना पड़ेगा. X को 1 डालूंगा, इन दो कर्व का इंटरसेक्शन है जिन दो कर्व का इंटरसेक्शन होता है इसका मतलब उन दो कर्व का कॉमन पॉइंट हो गया ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x को वन डालो y कितना आया प्लस माइनस वन तो ये पॉइंट हुआ वन कॉमा माइनस वन ये पॉइंट हुआ और वन कॉमा तो प्लस वन ये हुआ वन कॉमा माइनस वन ठीक अब ध्यान दीजिएगा मैं पहले ये जो लंबा वाला कर्व है ना इसका एरिया निकाल देता तो हूं पूरा इसका एरिया क्या होगा इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टू तक y की लिमिट्स आ रही है x dy इसका x कितना है फोर मानते हो ये जो व्हाइट से बनाया ये वो एरिया हुआ इसमें से अब माइनस करो क्या माइनस करोगे येलो वाला एरिया माइनस करते हैं ए ए ए ए, ए, ए यहां, से लेकर, यहां तक ये लाइन का एरिया ये वाला एरिया सब करना पड़ेगा ये किसका है एक्स वाली लाइन का इसमें से सब करो जीरो से वन तक इस सीधी डंडी का dy सीधी डंडी का एक्स कितना है वन अच्छा अभी और भी बचा है अभी ये भी सब करना पड़ेगा ये रेड वाला हां की ना ये एरिया कौन सा है वन से लेकर टू तक इस इस कर्व का एक्स डी इस कर्व का एक्स कितना है वाई अब देखते, आंसर आता है कि नहीं लिख तो मैंने दिया आंसर भी तो आना चाहिए देखो मैंने किया क्या मेरे को ये बीच का चुलचड़ा चाहिए था ये वाला तो मैंने सबसे पहले इसके इधर का हटाया फिर ये ऊपर का हटाया जिसके साथ का एरिया हटा रहा हूं उसका एक्स डी वाई यूज करूंगा करते हैं पहला वाला कितना हुआ फोर बाहर डी वाई का इंटीग्रेशन वाई इसमें वन बाहर डी का इंटीग्रेशन वाई इसमें वाई का वाई क्यूब लिमिट वन से टू तक लिमिट डालो फोर टू माइनस प्लस वन माइनस जीरो माइनस वन बाई थ्री एट माइनस वन हाँ कि ना सॉल्व करते फोर टू एट माइनस वन माइनस सेवन बाई थ्री सेवन माइनस सेवन बाई थ्री साथ इक्कीस इक्कीस में सात गए फोर्टीन बाई थ्री स्क्वायर ओ बेटे सेम आ रहा है है ना मुश्किल हो गया ना पर सोचना मुश्किल हो गया इंटीग्रेशन फुद्दू है सोचना थोड़ा मुश्किल है आप एक बार दोबारा डायग्राम पे देखना उसमें गंदा हो गया मैं एक बार दोबारा डायग्राम बनाता तो हूँ फिर इंटरप्रेट करते हैं दोबारा ये था ये था और ये था हमें ये वाला एरिया चाहिए उसको शेड कर देता हूं हमें ये वाला एरिया चाहिए एक मिनट हमें ये वाला एरिया चाहिए था ये एरिया चाहिए था मैंने सबसे पहले क्या किया मैंने सबसे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये पूरा एरिया निकाल लिया ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लिया अब क्या किया ये जो लकीर देख रहे हो इधर तक का चाहिए ना ये सब कर दिया फिर क्या किया ये कर्व देख रहे हो इसके इधर का माइनस कर दिया ये बीच का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये हटाने के बाद आई बात समझ मत करना इसे ऐसे बट चीजें आनी चाहिए मल्टीपल कर्ज गंदे गंदे आ गए तो क्या करोगे कहोगे नहीं मैं नहीं कर रहा करना पड़ेगा मेथड आना चाहिए मुश्किल थोड़ी ना है अगर आप ध्यान से साफ डायग्राम बनाओगे कभी गलती नहीं होगी और देखते हैं क्वेश्चन आपको बोला फाइंड एरिया ये भी एनसीआर की एक्सरसाइज का कर रहा हूं एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय लाइन एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू आज का आखिरी क्वेश्चन टू ए बाई रूट टू मुश्किल नहीं है बहुत है पहले ग्राफ बनाते हैं सबसे पहला काम एक्स स्क्वल इज अ सर्कल होगा कि नहीं होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वाज इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो जीरो माइनस ए अच्छा दूसरी लाइन कौन सी है कट ऑफ बाई द लाइन एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू ए बाई रूट टू वन अपॉन रूट टू पॉइंट सेवन के आसपास होता है आसपास होता है तो इसका मतलब इसका मतलब ये a है पॉइंट सेवन टाइम्स है यहां कहीं होगा रफ बनाना है कोई भी उसमें गिनती नहीं करनी ये एक लाइन है x इक्वल टू ए बाय रूट टू एरिया ऑफ अ स्मॉलर पार्ट मतलब आपको जो निकालना है रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हुआ ये वाला हाँ कि ना पढ़ो इंग्लिश समझ में आती है ये कौन सी लाइन है ए बायूट माने ये पॉइंट क्या हो गया ए बाय टू कॉमा जीरो अगर मैं ये एरिया निकाल लू इंटू टू कर दू ऊपर नीचे के लिए टोटल आंसर आ जाएगा ये एरिया किसके नीचे का है इसके नीचे का है सो रिक्वायर्ड एरिया कितना हुआ रिक्वायर्ड एरिया हुआ टुवाइस ऑफ इंटीग्रेशन ए बाय रूट टू से ए तक सर्कल का वाई डी एक्स सर्कल का वाई कितना है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स मानते हो खत्म आंसर हो गया इंटीग्रेट करना है इसके बाद टू बाहर है फॉर्मूला एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए लिमिट ए बाई रूट टू से ए तक लिमिट डालते हैं टू आइस पहले ए डालूंगा ये टर्म जीरो ए स्क्वायर बाई टू साइन इन वर्स वन फिर ए रूट टू डालूंगा माइनस ए बाय रूट टू डालेगा तो ए बाय टू रूट टू रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इन बाई रूट टू डालूंगा तो वन बाय रूट टू बचेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वाई टू इन पाई बाई टू माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं, ये कितना आया? A का कितना हुआ ए बाई रूट टू ए बाय रूट टू मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बाय फोर माइनस ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स वन बाई रूट टू कितना होता है तो रिजल्ट कितना आया ए स्क्वायर कॉमन ले लो ये टू कॉमन निकाल के उड़ा दो ये टू कॉमन निकाल के उड़ा दो ए स्क्वायर कॉमन पाए कॉमन टू कॉमन वन माइनस ओह इसके पास पाए नहीं था ए स्क्वायर बाई टू कॉमन बचा पाए माइनस वन माइनस ए स्क्वायर और टू कॉमन लिया था ना पाई बाय तो कितना हुआ पाई बाई टू माइनस वन सो ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू माइनस वन आंसर yes. आई बात समझ मुश्किल तो नहीं लगा आज का होमवर्क ओल्ड एनसीआरटी सिर्फ ओल्ड से ही करना है मैं अभी ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा जिससे इसके पास न्यू है वो ओल्ड से ही करेगा ओल्ड एनसीआरटी एक्सरसाइज वन विद एग्जाम्पल्स ये अटैम्प्ट चाहिए मेरे को अगली क्लास में ठीक है जी थैंक यू वेरी मच